हम लोग ऐसी घाट पर हैं और हम लोग अभी नदी घूमने जाने वाले हैं और तो हम लोग बोट देख रहे हैं कि कौन सी बोट में जा सकते हैं। तो ये देख लिया आप लोग, ये हम बोट अभी सेलेक्ट कर रहे हैं कि किस में जाएंगे। थोड़ी देर में हम मिलते हैं बोट के बोट पर बैठने के बाद। तो अभी हम लोग घाट पर नाव में बैठ गए हैं, आपने जैसा देखा है, देख रहे हैं आप कि हम लोग नाव में बैठे हुए हैं और हमारे साथ हैं एक हमारे आंध्रा के भैया हैं, वेंकट रेड्डी भैया। और यहाँ पर 6:20 हो रखे हैं। रौनक टाइम 6:20 हो रखे हैं यहाँ पर। और हम लोग अभी आपको यहाँ से सूरज आप देख रहे होंगे, नदी और सूरज का जो समन्वय है वो देख रहे होंगे आप। तो थोड़ा सा डर भी लगता है मेरे को, इसलिए मैं ध्यान से देख रहा था भैया क्या कर रहे हैं। तो भैया थोड़ा बताएंगे भी ना आप, थोड़ा बहुत बता दीजिएगा थोड़ा घाट वोट के बारे में। तो चलेंगे ना, क्यों उस पर हम लोग उस पर जाने की, इधर घूमना है बढ़िया। क्या कह रहे हैं यार, तो हम लोग को ऐसे ही घुमा के ले चलना उस पर ना, कि सीधा सीधा ले चलेंगे। कम से कम एक घाट तो घुमा लेना भाई कोई भी। देखो यार अब ये मतलब देखिए, हम लोग को ये कह रहे हैं कि कोई घाट वोट नहीं घुमाएंगे, ऐसा करेंगे भैया मतलब यार। अच्छी है, मैं भी वहाँ भी आ रहा हूँ खिंचवाने। तो अभी कुछ फोटोज भी क्लिक करेंगे अपन। तो क्या चीज, मैं आप लोग को सामने से दिखाता हूँ। और अभी हम लोग उस पार जिधर आप देख रहे होंगे, जहाँ वो दूर जो उस पार दिख रहा है जहाँ पे, वहाँ पर हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में। ये देखिए आप, तो ये भैया आपका नाम क्या है? राजू भैया हैं हमारे साथ, जो इस समय हमारी हेवनहार है। और यहाँ से देखिए आपको मैं दिखाता हूँ घाट। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बनारस अस्सी घाट। आप लोग देखिए यहाँ बनारस कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए हम लोग नदी के उस पार जा रहे हैं जहाँ पर रेत है और जहाँ पर और भी स्पोर्ट्स होते हैं, उधर ऊँट भी हैं। और तो ये जो हमने बोट किया है ये 200-250 रुपये में किया हुआ है और भैया से बोला है कि उस पार लेके चलें। और भैया तो बिना मन का ले चल रहे हैं, कहाँ से कि इनको पैसा कम मिला है ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं भैया, दिन भर में आप ज़्यादा कमाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं इधर से बनारस के घाट और यहाँ से खूबसूरत नज़ारे, जो कि इससे खूबसूरत क्या ही देखेंगे आप सुबह सुबह। और वाकई में दिल खुश हो गया। और अभी वहाँ पे उस पार जाकर मैं आपको और नज़ारे दिखा पाऊँगा और अच्छे से दिखा पाऊँगा। तो ये है नदी का पानी, ये टप्पू चल रहा है। हाँ थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाएंगे। और ये देखिए यहाँ से बनारस का, बनारस के नज़ारे। हम लोग दूसरे घाट के उस किनारे पहुँच गए। और ये देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बनारस को, बहुत ही खूबसूरत। तो भाई और रौनक भाई कैसा लग रहा है, आप कहाँ पर, हम कहाँ पर हैं इस समय? हम घाट के दूसरी तरफ हैं। घाट के दूसरी तरफ है ऐसा किनारे, उस किनारे
और जाने कहाँ जाएंगे हम? बिल्कुल, हम दोनों के एक किनारे पर हैं और ये किनारा हमारे मतलब बहुत ही सुकून वाला है। ये किनारा जिंदगी बहुत कम होना चाहिए कि जिंदगी किनारे लग जाए। बिल्कुल, जिंदगी किनारे लग जानी चाहिए। क्या प्यारी बात कही है रौनक ने। और हम लोग भी इस समय बहुत ही खूबसूरत पलों को जी रहे हैं। मझधार में फंसी हुई है। बिल्कुल, दुनिया मझधार में फंसी हुई है और हम किनारे पर खड़े हैं। क्या खूबसूरत बात है। और हम लोग बोट से आए हैं। बोट वाले भैया, जैसे मैंने आपको बताया, 250 रुपये उन्होंने लिया है चार लोगों के। फिर भी वो मन से नहीं राइड कर रहा और उनको बिल्कुल मन नहीं है राइड कराने का। बट ये है कि सुबह सुबह शायद उनको बोहनी करनी थी हम लोगों से, तो उन्होंने कहा चलो भाई ले चलते हैं तुम गरीबों को। तो उन्होंने हम गरीबों को यहाँ तक पहुँचाया है, घाट के इस किनारे तक। तो बहुत ही मज़ेदार है। और इधर ऊँट भी हैं हमारे, घोड़े भी हैं कुछ कुछ। ये आप देख रहे हैं तो पीछे की तरफ आपको, तो नॉट अ फुल राउंड। सो वी हैव अ ट्रैवलर, सोलो ट्रैवलर काइंड ऑफ पर्सन। हाय वेंकट, से हाय टू पीपल। वेंकट विथ अस, वेंकट इज विथ अस, ही इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड ही इज ट्रैवलिंग अलोन, राइट? अकेले आप ट्रैवल कर रहे हैं, सोलो? हाँ, ही इज ट्रैवलिंग सोलो। ही इज नॉट गुड, नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, बट यस इन तेलुगु ही इज गुड एंड वी आर नॉट गुड इन तेलुगु। दैट्स अ थिंग। बट आई वॉज इन हैदराबाद फॉर अराउंड 6 months, अराउंड 1 year, बट आई वॉज नॉट एबल टू लर्न तेलुगु। सो यस, बट की नाम पेरू, की पेरू, नी पेरू, माँ पेरू, माँ पेरू इज समथिंग, दैट वर्ड माँ पेरू, माँ पेरू ना पेरू, ना पेरू, ओके ना पेरू इज दैट वर्ड। वॉट इज योर नेम? दैट्स इट। सो यहाँ पर फोटोग्राफी जारी है मेरे दोस्तों के द्वारा, भाइयों के द्वारा। और कर नहीं सकते फोटो खींच सकते बिल्कुल जो कर नहीं सकते वो फोटो खींच सकते हैं। बात सही कहा, बहुत महंगा है, 2,500 रुपये पर पर्सन इज वेरी वेरी मच, वेरी कॉस्टली। ज़्यादा ले रहे हैं यार, इतना ज़्यादा नहीं मांगते। मैं साहिलों पे मैं सोच रहा हूँ कि नाम लिखकर एक बार फोटो वोटो क्लिक कर ली जाए, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। तो अभी हम लोग घाट के दूसरे किनारे से अपने वापस किनारे की तरफ जा रहे हैं।